गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग बात करेंगे अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसकी बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो हम बात कर रहे थे अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इससे पहले मैंने आपको प्यूबर्टी तक बता रखा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने कहा था, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिस्टम है। सिस्टम का मतलब होता है मोर देन वन ऑर्गन्स विल बी इन्वॉल्व इन टू इट एंड इट विल बी परफॉर्मिंग वन फंक्शन। तो इसमें मोर देन वन ऑर्गन इन्वॉल्व है। तो जितने भी ऑर्गन होते हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड अनदर इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है टेस्टिस, ठीक है। इसके अलावा और जितने ऑर्गन होंगे दे विल बी कमिंग अंडर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन चाहे मेल में हो या फीमेल में हो, हम उसे कहते हैं जिसके अंदर गैमेट फॉर्म होते हों प्लस सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होता हो। तो ऐसा कोई ऑर्गन जिसमें सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होते हों या गैमेट फॉर्म होते हों, तो ये दोनों चीजें जिस ऑर्गन के अंदर होगा, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म फॉर्मेशन होता है, प्लस जो सेक्स हार्मोन होता है मेल के अंदर उसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, तो ये दोनों ही चीजें टेस्टिस के अंदर होता है, तो इसीलिए इसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे हम लोग ड्रॉ करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर इन्वॉल्व होता है। इसमें जो टेस्टिस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं विच इज प्रेजेंट इन ए स्ट्रक्चर कॉल्ड एज जीवर्णाकुलम। सॉरी, ये स्ट्रक्चर हो गया, यहां से ये टेस्टिस है। जो टेस्टिस होता है दैट रेस्ट इन ए मस्कुलर स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्कॉटल सैक। जिसे क्या कहते हैं? स्कॉटल सैक। तो स्कॉटल सैक के अंदर ही टेस्टिस प्रेजेंट होता है, और टेस्टिस के जस्ट बाहर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ईपी डायडेमिसिस, ठीक है। इसके बाद दिस इज स्पर्म डक्ट, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पर्म डक्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द स्पर्म। अब एक बात समझिए आप, जो मेल्स होते हैं तो मेल के अंदर जो एक पैसेज होता है ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। और ये स्पर्म डक्ट था और ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये जो पैसेज हुआ, ये वाला पैसेज, दिस इज कॉमन फॉर बोथ स्पर्म एज वेल एज यूरिन और नॉट। सो दिस कॉमन पैसेज इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। इसे क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। और यहां पर कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, इसे हम कहते हैं सेमिनल विसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर था, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन विच इज कॉल्ड एज ए पेनिस। अब ये एक बात समझिए, यहां पर टेस्टिस जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसके अलावा ये जितने हैं, चाहे वो स्कॉटल सैक हो, इपिडाइडेमिसिस हो, स्पर्म डक्ट हो, एसेसरी ग्लैंड्स हो, चाहे यूरेथ्रा हो, जापानीज हो, ऑल दीज ऑर्गन्स आर कमिंग अंडर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। जो मेन आपको इम्फेसाइज करना है वो टेस्टिस पे करना है, क्योंकि टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो जो टेस्टिस होता है दैट इज प्रेजेंट इन टू द स्कॉटल सैक। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्कॉटल सैक के अंदर, आउटसाइड द एब्डोमेन।
आउटसाइड द एब्डोमेन. जो आपका बॉडी होता है उसे हम तीन भाग चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं. ये हेड है, नेक, थोरेक्स जिसमें लंग्स होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एब्डोमेन जिसमें पेट वेट सारा कुछ आता है, इंटेस्टाइनल सिस्टम. तो जो टेस्टिस होता है दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन इनटू द स्कॉटल सैक. उसका कारण क्या है ये समझिए. ये स्कॉटल सैक में इसलिए होता है क्योंकि टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्म होता है. क्या फॉर्म होता है? स्पर्म फॉर्मेशन होता है. और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2-3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड. टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2-3 डिग्री टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से होना जरूरी है, तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा. यदि टेस्टिस एब्डोमेन में होता, यदि टेस्टिस एब्डोमेन में होता तो जो बॉडी टेम्परेचर होता उसी पे टेस्टिस रहता या उससे कम पे रहता? उसी पे रहता. तो जितने भी स्पर्म बनते वो सारे के सारे मर जाते या नहीं मर जाते? तो इसीलिए जरूरी है कि टेस्टिस जो है वो आउटसाइड द एब्डोमेन हो. और आउटसाइड द एब्डोमेन रहने का कारण है कि जो टेस्टिस होता है दे विल बी एबल टू मेंटेन 2-3 डिग्री टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर और नॉट, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन. ठीक है, तो ये टेस्टिस होता है. एक बात और चीज अब याद रखना, जो टेस्टिस होता है, जैसे मान लीजिए जब विंटर होता है तो विंटर में हमारे बॉडी टेम्परेचर जो होते हैं वो कम होती है, तो जो टेस्टिस होगी वो एब्डोमेन के पास आ जाएगा. कहाँ आ जाएगा? एब्डोमेन के पास. और जब समर टाइम होता है तो समर टाइम में बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो जो स्कॉटल सैक होगा, मान लीजिए स्कॉटल सैक है, तो टेस्टिस जो होता है, मान लीजिए ये एब्डोमेन है, ये एब्डोमेन है, तो एब्डोमेन से काफी दूर रहेगा. ठीक है, ताकि वो 2-3 डिग्री बॉडी टेम्परेचर से कम मेंटेन कर सके. ठीक है, अब इसमें समझिए, जो ये टेस्टिस है इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं. तो ये मान लीजिए टेस्टिस है, इसमें ऐसे छोटे छोटे चैम्बर्स हो गए. इन चैम्बर के अंदर ट्यूब्यूल्स एक मूव कर रहा होता है जिसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. जिसे हम क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मान लो ये ऐसे, ये ट्यूब्यूल है, ऐसे से घूम रहा है ना ये, तो मान लीजिए ऐसे से घूम रहा है. ठीक है, तो इसके अंदर सेल्स होंगे कुछ. तो जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो इस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं. कितने तरह के सेल्स होते हैं? दो तरह के. कंटेन टू टाइप ऑफ सेल्स, दो तरह के सेल्स को कंटेन करता है. और ये दो तरह के सेल्स हैं, जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स. मैंने क्या बताया, देखो टेस्टिस जो होते हैं उनका लोकेशन पहले आपको समझा दिया, और वो लोकेशन मैंने कहा था कि आउटसाइड द एब्डोमेन इनटू द स्कॉटल सैक, आउटसाइड द एब्डोमेन इनटू द स्कॉटल सैक. और वो क्यों स्कॉटल सैक में होता है वो मैंने आपको समझा दिया. ठीक है, अब एक बात समझिए, मैंने कहा कि जो टेस्टिस होता है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. वो किसके द्वारा ऑक्यूपाइड होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के द्वारा. तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स. ये जो जर्म सेल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग स्पर्म. ये किस चीज को फॉर्म कर रहे हैं? स्पर्म को. ठीक है, और ये सर्टोली सेल क्या करेंगे? सर्टोली सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द स्पर्म सेल्स. ये जो स्पर्म बने इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना जरूरी होता है, तो वो काम कौन करता है? सर्टोली सेल्स. ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई. और इसके बाहर में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर में कुछ सेल्स होते हैं, तो आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरस्टीशियल सेल्स और लैग्डिक सेल्स, लैग्डिक सेल्स. और यही लैग्डिक सेल्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग सेक्स हॉर्मोन विच इज कॉल्ड एज
टेस्टोस्टेरोन, वो किस चीज को फॉर्म करते हैं? टेस्टोस्टेरोन को। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसके अंदर है? टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर में जो सेल्स हैं वो लैक्टिक सेल्स हैं और वही फॉर्म करते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो जर्म सेल्स मतलब स्पर्म, गैमेट एंड सेक्स हार्मोन, बोथ आर प्रोड्यूस इन स्पर्म और नॉट, सॉरी इन द टेस्टिस और नॉट। सो दैट्स व्हाई द टेस्टिस विल बी कंसीडर एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और नॉट। तो इसीलिए हम टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है, आपने ये सब पढ़ लिया, आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा? आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाएगा ऐसे, व्हाई द टेस्टिस इज नेसेसरी टू बी प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन। ठीक है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए और वो उसी समय मेंटेन हो सकता है जब इस जब टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमेन इनटू द स्कॉटल सैक हो। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमेन में ही रह जाता है, तो वो पेरेंट्स उन मेल के अंदर क्या कभी भी स्पर्म फॉर्मेशन हो पाएगा? स्पर्म बनते ही मर जाएगा, तो स्पर्म बनते ही मर जाएगा तो वो कभी भी फादर नहीं बन सकते। ठीक है, नॉर्मली होता क्या है ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब एक बेबी फॉर्म होता है, यदि मान लीजिए बेबी बॉय बेबी है, मदर बॉडी के अंदर एक बच्चा डेवलप हो रहा है और यदि वो मेल चाइल्ड है, ठीक है, तो ये टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिन में होता है। जैसे जैसे बेबी बड़ा होना शुरू होता है, 9 मंथ का होना शुरू होता है, तो एब्डोमिन से टेस्टिस से शिफ्ट हो जाता है आपका स्कॉटल सैक में। तो कभी कभी किसी प्रॉब्लम वश यदि स्कॉटल सैक के अंदर जो टेस्टिस है वो शिफ्ट नहीं हो पाया तो वो एब्डोमिन में रह जाएगा, तो वो वहाँ स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो कभी भी फादर नहीं बन सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी? तो ये आपको अब क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से हम इसे स्टडी करना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें एक पूछा जाता है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं, उसके बाहर कौन से सेल्स होते हैं, बता सकते हैं? अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स, एक स्पर्म फॉर्म करता है, एक नरिशमेंट देता है, और उसके बाहर लैक्टिक सेल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज और आपको समझना था, वो क्या था, जो इस टेस्टिस है तो यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, यहाँ स्पर्म बन गया, स्पर्म बनने के बाद ये एपिडाइडेमिसिस में जाता है स्पर्म, और वहाँ पर स्पर्म को स्टोर किया जाता है और स्पर्म मैच्योर्ड होता है। 2 काम होता है, स्पर्म स्टोर होता है और वहाँ पे मैच्योर्ड होता है, मतलब इससे पहले जो स्पर्म होता है वो पूरी तरीके से मोटाइल नहीं होता है। तो मोटाइल का जो एबिलिटी है वो कहाँ पर उसको डेवलप होता है, वो एपिडाइडेमिसिस में। तो एपिडाइडेमिसिस में वो मैच्योर्ड हो गया और वहीं पे वो स्टोर्ड रहेगा, उसके बाद वो स्पर्म डक्ट के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज होता है। ठीक है, अब होता क्या है, जब वो स्पर्म बाहर आ रहा होता है तो ये जो ग्लैंड्स हैं, एसेसरी ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनी वेसिकल्स, ये ग्लैंड्स लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस रिलीज करते हैं, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस जिसके अंदर नरिशमेंट होता है। तो जब स्पर्म बॉडी से बाहर आता है तो केवल स्पर्म बाहर नहीं आता है, उसके साथ ये लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस भी बाहर आता है जो एसेसरी ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किया जाता है, और ये अल्कलाइन नेचर का होता है। ये किस नेचर का होता है? अल्कलाइन नेचर का। तो स्पर्म जो है, स्पर्म जब रिलीज होता है तो जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, एसेसरी ग्लैंड्स आपको अभी समझाया मैंने, जो सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, तो वो ग्लैंड्स लुब्रिकेटिंग नरिशिंग मटेरियल रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? लुब्रिकेटिंग नरिशिंग मटेरियल रिलीज करते हैं नरिशमेंट के लिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मिलकर और यूरेथ्रा से, ये जो कॉमन पैसेज है, ये यूरेथ्रा जो है ये कॉमन पैसेज है जिसके थ्रू स्पर्म लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस के साथ बाहर आता है। आया समझ में? अब एक बात देखिए, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है तो यूरिन भी तो इधर से ही आएगा, तो होता क्या है,
इसमें जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया यहां पर यूरिनरी ब्लैडर है, इस तरीके से ये डक्ट है आपका, ये यूरेथ्रा है, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर यहां पे आके ऐसे मिल गया, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। तो यहां पर एक वाल्व होता है, ये क्या होता है, एक वाल्व। यदि स्पर्म आ रहा होगा तो ये वाल्व ऐसे बंद हो जाएगा, उस समय यूरिन नहीं आ सकता है, और जब यूरिन आ रहा होगा तो ये वाला गेट ऐसे बंद हो जाएगा, तो उस समय यूरिन नहीं आ सकता है, स्पर्म नहीं आ सकता है। मतलब एक टाइम में या तो स्पर्म आएगा या आपका यूरिन आएगा। स्पर्म यदि इस नरिशिंग मटेरियल के साथ, जो लुब्रिकेटिंग नरिशिंग मटेरियल है, नरिशिंग मटेरियल है, इसके साथ बॉडी से बाहर आता है तो इसे हम कहते हैं सीमेन। सीमेन क्या हो गया, स्पर्म प्लस लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस और नरिशिंग मटेरियल विच इज रिलीज बाय द एसेसरी ग्लैंड्स, तो इसे हम क्या कहेंगे, सीमेन, ठीक है। और यूरेथ्रा से बाहर आता है, यूरेथ्रा से बाहर जो आता है तो यहां पर एक आपका सेकेंडरी ऑर्गन होता है विच इज कॉल्ड एज पेनिस, विद द हेल्प ऑफ, ये क्या है, ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ये क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन कहने का मतलब होता है ऐसा ऑर्गन जिसकी मदद से स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो पेनिस क्या हो गया, कॉपुलेटरी ऑर्गन। एक नंबर में आपसे पूछ दिया जाएगा व्हाट नेम द कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल, तो पेनिस। ये क्या, कोई भी कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा उसका काम होता है या तो इस गैमेट्स को फीमेल बॉडी के अंदर डालना, यदि फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है तो मेल गैमेट्स को रिसीव करना, ठीक है। तो दिस इज द वर्क ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे रन करता है, समझ में आ रहा है, दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, क्लियर है, ठीक। तो यहां तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आज नेक्स्ट बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जैसे मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था कि जितने भी ऑर्गन होते हैं उसको हम दो भागों में बांट देते हैं, तो इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड अनदर इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वही बात, फिर वही डेफिनेशन हो गया, द ऑर्गन विच विल रिलीज गैमेट्स एंड सेक्स हॉर्मोन, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो इसका एग्जाम्पल है ओवरी, तो फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, ओवरी। और ये जो ओवरी होता है, ठीक है, ये ओवा रिलीज करता है, ओवा कहो या एग कहो, तो ये क्या है, फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट। इसके अलावा फीमेल्स के अंदर दो हार्मोन रिलीज होते हैं, वन इज कॉल्ड एज एस्ट्रोजन एंड अनदर इज प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन के नाम याद रखने होंगे तुम्हें, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मेल सेक्स हार्मोन जो था वो था टेस्टोस्टेरोन, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों क्या है, सेक्स हार्मोन, ये क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन। ये दोनों हार्मोन भी ओवरी से रिलीज होता है, तो ओवरी से सेक्स हार्मोन भी रिलीज हो रहा है, गैमेट भी रिलीज हो रहा है, सो द ओवरी विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और नॉट। इसके अलावा और जितने भी ऑर्गन होंगे, सो दैट विल बी कॉल्ड एज फीमेल सेक्स सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब यदि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके होता है, देखो यहां एक ओवरी होता है और इसमें बहुत सारे ओवा होंगे। अब
ये इस तरह से एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो इस साइड भी ये ट्यूब जो है वो एक फनल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ये आपका ओवरी हो गया, ठीक है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम यूट्रस कहते हैं। ये बन गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दिस इज ओवरी। तो जैसे मेल्स के अंदर ए पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट, इन द सेम मैनर फीमेल्स में ए पेयर ऑफ ओवरी इज प्रेजेंट, ठीक है। अब जो ओवा प्रोड्यूस होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? एक ओवा इस वाले से प्रोड्यूस होगा, फिर एक ओवा इस वाले से प्रोड्यूस होगा, फिर एक ओवा इससे प्रोड्यूस होगा, फिर एक ओवा इससे प्रोड्यूस होगा। तो अल्टरनेटिवली वन आफ्टर द अनदर द ओवा इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ओवरी। इसमें ये जो है दिस इज कॉल्ड एज फिलोपियन ट्यूब। इसे क्या कहते हैं? फिलोपियन ट्यूब और ओवा डक्ट। फिलोपियन ट्यूब कहो या ओवा डक्ट कहो, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूट्रस। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूट्रस। दिस इज कॉल्ड एज यूट्रस। दिस इज कॉल्ड एज सर्विक्स एंड दिस इज कॉल्ड एज वेजाइना। अब इसमें आप समझिए, जो ओवरी होता है, जो ओवरी होता है, दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो एलमेंट होता है ना, बेदाम, एलमंड, एलमंड समझ में आता होगा। तो एलमंड्स के शेप का होता है ओवरी एंड दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिन होता है तो प्रेजेंट कहाँ होता है? इनसाइड, इनसाइड लोअर एब्डोमेन, इनसाइड लोअर एब्डोमेन, जस्ट बिलो द किडनी, बिफोर फर्स्ट डिलीवरी। जब तक फर्स्ट डिलीवरी नहीं होता है तब तक उसका एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो क्या है? इन द लोअर एब्डोमेन, जस्ट बिलो द किडनी। जब फर्स्ट बेबी फॉर्म होता है तो जो बेबी फॉर्म होता है उसके कारण से ओवरी का जो प्लेस होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है किडनी से थोड़ा सा। तो जो एग्जैक्ट पोजिशन है वो क्या है? जस्ट बिलो द किडनी, इनसाइड द लोअर एब्डोमेन। अब ओवरी जो होता है उसमें क्या होता है? ओवरी के अंदर ओवा प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? ओवा। और इसमें वन बाय वन द ओवा गेट मैच्योर्ड एंड रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द ओवरी। एक के बाद एक ओवा मैच्योर्ड होता है और रिलीज होता है। और ये जो ओवा मैच्योर्ड होना है और रिलीज होना है ये एक साइक्लिक प्रोसेस में होता है जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जिसे हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 to 29 डेज का होता है। इस 28 डेज 29